बीच में न डाले, उनका मैटर मेरे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। उनके उनको क्यों डाल रहे हैं आप लोग बीच में? उनका काम है, सलमान भाई हर वक्त तो नहीं आएंगे ना, मुझे मेरा बैटल है, मुझे लड़ना है। आपकी तकलीफों को समझते हुए ठीक है, मगर जो आजकल बिग बॉस का जो कल समाप्त हुआ बिग बॉस, उसमें इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से खुश हूँ कि पहली बार कलर चैनल का डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने एम्प्टी स्टैंड को जिताया। बहुत अच्छे रैपिंग करते हैं, एक आम इंसान, एक आम लड़का, एक गरीब खानदान का लड़का, एक अच्छा लड़का, उसको जिताया, बहुत ही दिल से खुशी हुई है। थोड़ा सा उधर जाइए, आप उधर जाइए थोड़ा सा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मत फॉलो कीजिए, मुझे मत शूट कीजिए प्लीज़। बहुत ही अच्छा लगा, और सबको हमेशा लगता था कि चेहरा ही सब लोग यही बोलते थे कि जो वहाँ पे शो किए वही जीतेगा, बट नहीं, इस बार आई प्राउड ऑफ कलर चैनल, आई प्राउड ऑफ बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस टीम के, उन्होंने एमसी स्टैंड को, कोई भी स्टैंड हो, स्टैंड तो स्टैंड होता है ना, जिताया। और बहुत ज़्यादा मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो तो पहले से फेमस थे, अभी तो आके उसे प्यार की ज़्यादा मिली है पहले से? नहीं, वो डिजर्विंग है लड़का, बहुत अच्छा है। वैसे तो लास्ट 5 डिजर्विंग होते हैं, सभी विनर होते हैं, बट इस बार का डिसीजन बहुत अच्छा लगा। बट अभी आपसे परसों पूछा था तो आप कह रहे थे कि शिव और वो दूसरी आएंगे, मुझे ऐसा लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि जो ज़्यादा यू नो ज़्यादा टीआरपी देते या फिर ज़्यादा मनोरंजन करते वो नहीं जीतते, मुझे ऐसा लगा था। बट शुरू से स्टैंड का पलड़ा भारी है, भारी है, वही भारी है, स्टैंड का पलड़ा, क्या पलड़ा, तराजू भारी है, तराजू भारी है, तो भाई फिर वो लई भारी है, वो जीत।